सबसे पहले तो एक बात ये बताना चाहूंगा, आज हमारे यहाँ पर एलजी साहब बयानबाजी कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, मेरे को ये तुक्की नहीं समझ आती। आईफोन अगर कोई बंदा खरीद रहा है तो उसमें एलजी साहब को क्या तकलीफ है? अगर वो डाटा के ऊपर बात आ गई कि वो नेट यूज कर रहा है, नेट भी तो वो रिचार्ज करा के यूज कर रहा है। अगर बच्चे गेम खेल रहे हैं तो बच्चे गेम भी तो रिचार्ज होगा तो गेम खेल रहे हैं ना। उल्टा इसका ये मतलब थोड़ा ना कि गवर्नमेंट को एलजी साहब हमें मुफ्त में दे रहे हैं कि डाटा दे रहे हैं कि जो हम यूज कर रहे हैं, तभी एलजी साहब ऐसे बोल रहे हैं कि भाई आप डाटा क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, और बात रही दूसरी, ये जो टैक्सों पे टैक्स लगाई जा रही है, इस पे तो कुछ लग नहीं रहा मेरे को। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को एक इन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद एक दलदल में फंसा दिया हुआ है जम्मू कश्मीर को, कि बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, बीच में दबी जा रहे हैं, बाहर आने का कहीं चांस ही नहीं मिल रहा। टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। एक टाइम आएगा कि ये हमें सांस लेने में भी टैक्स है, क्योंकि पानी पे तो है ही है टैक्स, तो अब सांस लेने पे भी टैक्स हो जाएगा। तो मैं आपसे यही बात कहूंगा कि एलजी साहब के बयान पे ना हम इतना ध्यान देते हैं, ना हम उनके कोई इतना हम मायने रखते हैं उनके बयान। अगर कोई यूज कर रहा है आईफोन, या कोई डाटा यूज कर रहा है, या कोई गेम यूज कर रहा है, तो वो बच्चों की अपनी मर्जी है। बच्चे चला रहे हैं फोन आज की डेट में, तो वो यूज कर रहे हैं। इसमें एलजी साहब को ये भी तकलीफ है कि जम्मू कश्मीर के बच्चा आईफोन भी यूज कर रहा है। अब ये एलजी साहब से पूछ के फोन भी लेने पड़ेंगे, या डाटा हमें एलजी साहब से पूछ के रिचार्ज करवाना पड़ेगा कि एलजी साहब हम रिचार्ज करवाएं या ना करवाएं। तो अब एलजी साहब तो अगर ऐसे ऐसे बयान देंगे, तो इसमें एलजी साहब का तो मेरे को लगता भी नहीं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उनके पास, तो वो ये छोटे मोटे इशू पे वो ऐसे बयानबाजी करे तो अच्छा भी नहीं लगता ये चीज। क्या जम्मू कश्मीर के लोग गरीब ने? वो जम्मू कश्मीर के लोगों को तुम पूछिए फोन लेना, कल तुम आखोगे जनाब फोन नहीं लेना, तो टीवी नहीं दिखे हो है, तो मारे वाह ना ले सह ना लो, मारे बाहर जी रोटी ना खाए होटल च, तो पूछिए चीजा कर दी ने। और भी यह सुनाओ कि जम्मू के लोग इन्ने गरीब नहीं है एल जी साहब, जिस तरीके तो सोचने लगे रहे हो। जम्मू के लोग बड़े सक्षम ने इस चीज से, और जम्मू है, जम्मू कश्मीर रियासत है, खरीदी रियासत है, रियासत साड़ी अपनी मालिक है रियासत है। फोन तो बड़ी छोटी गल है एल जी साहब, इतने लोगों बड़ी बड़ी गड्डिया रखी दी, बड़ी बड़ी कारा रखी दी, तो ये चीज ना दसो। पर जी गल तुम घूमी फिरी आ रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स, अपनी जमीन का अपना टैक्स नहीं देना, ये रियासत साड़ी, ये जमीन साड़ी, टैक्स अहे नहीं देना।